प्रदेश में गौशालाओं में गोवंश की मौतों पर महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्य नंदगिरी उर्फ मिर्ची बाबा ने सीएम हाउस घेराव का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने पहले ही बाबा को उनके घर पर बंदी बना लिया। इस मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मिर्ची बाबा को पाखंडी करार दिया है। गृह मंत्री ने कहा, बाबा अगर संत है तो धर्म के काम करे, पाखंड ना करे। वही अब मिर्ची बाबा के बचाव में कांग्रेस मैदान में आ गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, एक तरफ तो सरकार गो माता की हिमायती बनती है और दूसरी तरफ गौशालाओं में गो माता भूखी दम तोड़ रही है। जब इस मामले को मिर्ची बाबा ने उठाया तो सरकार ने उन पर भी पाबंदी लगा दी। कांग्रेस ने कहा कि सरकार संतों का अपमान कर रही है। कांग्रेस ने मांग की है सरकार मिर्ची बाबा से तुरंत माफी मांगे। वो दिग्विजय सिंह के जीतने पर जो आत्महत्या करने वाले थे वही मिर्ची बाबा। स्वस्थ प्रसन्न है वो, ईश्वर से प्रार्थना है स्वस्थ प्रसन्न बने रहे, ईश्वर में ध्यान लगाए, पाखंडों की तरफ न जाए। मिर्ची बाबा गौशालाओं को लेकर जिस प्रकार से छतरपुर का वीडियो सामने आया है कि गाय गो माता जो है भूख से तड़प रही है, मर रही, उसकी मौत हो रही, उसे चारा नहीं मिल रहा, इलाज नहीं मिल रहा है, ये सारी घटनाएं सामने को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, तो एक साधु संत से सरकार को डर क्या? उनको बैरिकेड्स करके घर के बाहर ही रोक लिया गया। अरे मुख्यमंत्री क्यों साधुओं से मिलना नहीं चाहते हैं? ये खुद को धर्म प्रेमी बताते हैं। क्या साधु से इतना डर है कि साधु से मिलने में परहेज है? क्या साधु के मिलने से उनकी पोल खुलने का डर है कि गो माता की जो मौतें हुई हैं उसका मामला खुल जाएगा, इसलिए उस मामले को दबाने के लिए उन्होंने मुलाकात उचित नहीं समझा? निश्चित तौर पर हम इसकी निंदा करते हैं और हम कहते हैं, शिवराज जी से मांग करते हैं कि साधु संतों से मेल मुलाकात यदि वो जनहित की बात उठाने, गो माता की बात उठा रहे तो उनसे मिलना चाहिए। कोई वो राजनीतिक बात तो कर नहीं रहे, तो मिलने में किस बात का परहेज।